और अब बात लखनऊ की करेंगे। शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन चौथे दिन भी वहां जारी है। शिक्षा मित्र अपनी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं और चौथे दिन भी शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है। लगातार शिक्षा मित्रों का यह प्रदर्शन चल रहा है। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी शिक्षा मित्रों से, मतलब अपने ही शिक्षकों से मिलने नहीं आया है, उनका दुख दर्द सुनने नहीं आया है, उनकी जरूरतें क्या है, मांग क्या है, ये पूछने नहीं आया है। और अब इसमें एक अपडेट यह है कि शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से खत लिखा है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मित्र। खून से अपने खत को लिखा है, खून से मुख्यमंत्री के नाम एक खत लिखा है। इधर शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को देखते हुए लक्ष्मण मेला मैदान में बड़ी संख्या में पुलिस बल को भेज दिया गया है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं, महिला थाने की पुलिस है। शिक्षा मित्रों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, कड़ी निगाह शिक्षा मित्रों पर। आपको बता दें, महीने भर पहले शिक्षा मित्रों ने इस तरह का प्रदर्शन किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री से उनका शिष्टमंडल मिला भी था, सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन भी मिला था। बावजूद इसके एक बार फिर शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं। संदीप मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। खत लिखा गया है मुख्यमंत्री को, क्या है इस खत में? जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा मित्र लगातार चार दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने में बैठे हुए हैं, क्योंकि लक्ष्मण मेला मैदान पर लगातार धरना दे रहे हैं। कल ये कैंडल मार्च के लिए शाम को निकलना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से इनको अनुमति नहीं मिलने के कारण और किसी प्रकार से इनको रोका गया। तो रोकने के बाद इनसे पुलिस की थोड़ी सी झड़पें हुई थी। इस सारी मुद्दों को लेकर आज फिर लगातार धरने में बने हुए हैं शिक्षा मित्र। लेकिन जब शिक्षा मित्रों के प्रशासन अधिकारी से किसी तरह की वार्ता न होने के कारण, तो शिक्षा मित्र से एक प्रकार से आए नूर हसन जी ने एक कौन से पत्र लिखा है। उस पत्र में साफ सरकार को आगाह किया है, सरकार से आगाह किया है और विनती भी किया है सरकार से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। हमारी जो तीन सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों पर सरकार विचार करे और हम शिक्षा मित्रों को एक बार फिर से खुशहाली का जीवन व्यतीत करने की मांग कर रहे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। संदीप मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ थे। निश्चित रूप से मैंने न्याय के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास गुहार लगाई है कि हम लोगों के बच्चों का नामांकन जो पहले अच्छे अच्छे विद्यालयों में हुआ था, अब बच्चों का नाम कट जाने की वजह हम लोग बेहद आहत हैं। उस जब हम लोग का समायोजन हुआ था, हम लोग 40,000 रूपए प्रति महीने वेतन पा रहे थे, अब हम लोगों का वेतन 10,000 रूपए कर दिया गया है। तब से हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और हम लोगों का हम लोग बार बार न्याय का गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बात अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं सुनी गई है।